नमस्कार, जापान के क्योटो शहर के केन काकोजी मंदिर से आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मंदिर मंदिर मोदी। मैं हूं गौरव सावंत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्योटो शहर के तोजी मंदिर में गए। उनके साथ जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे भी थे। ठीक उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी स्थान पर जहां इस समय मैं खड़ा हुआ हूं, केन काकोजी मंदिर, एक बहुत प्राचीन बौद्ध मंदिर है ये, यहां पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी है और कई रिलिक्स भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आए। काफ़ी देर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में बैठे भी रहे और मंदिर से निकलने के बाद प्रधानमंत्री ने यहां पर आम जापानी लोगों से मुलाकात की। जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक यहां पर आए हैं उनके साथ तस्वीरें भी खिंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास है कि भारत और जापान के लोगों को संस्कृति के उस सूत्र में जिसमें वो सदियों से बंधे हैं एक और सूत्र में उन्हें बांधा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवेरे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ कोजी मंदिर यहाँ पे तोजी मंदिर में आए। ये एक 8वीं शताब्दी का मंदिर है। यहाँ 8वीं शताब्दी से बौद्ध धर्म आया है। जो तोजी मंदिर यहाँ पर है वो पूरा मंदिर परिसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ घूमे। वहाँ पर भारतीय मूल के कुछ लोग थे, जापानी पर्यटक काफ़ी थे और वो मोदी सान कह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते थे। सफ़ेद कुर्ता चूड़ीदार और वेस्टकोट में प्रधानमंत्री जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ थे। उन्होंने उस तोजी मंदिर के अंदर जाके जहां 187 फीट का वो पगोड़ा है, जापान का सबसे ऊंचा बौद्ध मंदिर, वहां पर दर्शन किए। वहां भगवान बुद्ध की 4 प्रतिमाएं हैं जो अपने 8 अनुयायियों के साथ उस मंदिर में बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां दर्शन किया। उसके बाद उन्होंने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, फूल चढ़ाए, उसके बाद एक अगरबत्ती जलाई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोंदो नाम का एक और मंदिर है जो मेन हॉल है तोजी मंदिर का, वहां गए। और वहां से जाने के बाद प्रधानमंत्री जिस जगह पर इस समय मैं हूँ, केन काकोजी मंदिर, रुकोनजी मंदिर भी इसे कहा जाता है, यहाँ पर आए। इस मंदिर के जो पहले 2 माले हैं ये स्वर्ण मंडित है, सोने के रंग में है ये। कई लोग यहाँ, मान्यता तो ये है कि ये सोने का ही बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ काफ़ी देर तक बैठे। इसके आसपास एक झील है, शांति का प्रतीक, पहाड़ों में घिरा ये केन काकोजी मंदिर या रुकोनजी मंदिर भी इसे कहा जाता है, शांति का प्रतीक है। क्योटो के केन काकोजी मंदिर से आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं गौरव सावंत। भारत और जापान के मजबूत रिश्तों की बुनियाद तो सदियों पहले पड़ गई थी, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे एक साथ क्योटो के तोजी मंदिर दर्शन के लिए गए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ केन काकोजी के बुद्ध मंदिर में आए, कुछ देर तक बैठे, तो वो रिश्ते और मजबूत हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्योटो पड़ाव की कोशिश भी यही है कि दोनों देशों के संबंध और प्रगाढ़ हो। हिंदुस्तान और जापान के रिश्तों की नई इबारत लिखी जा रही है। दुनिया के सामने आ रही है दो मुल्कों के धीरे धीरे और करीब आने की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों के लिए जापान यात्रा पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कार्यक्रम जापान की राजधानी टोक्यो का भी हो सकता था, लेकिन नहीं, रिश्तों की डोर सिर्फ व्यापार और लेन देन पर न होकर सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों की बुनियाद पर मजबूत हो तो वो ज्यादा बेहतर है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले राजधानी टोक्यो न जाकर जापान के आध्यात्मिक शहर क्योटो पहुंच गए।
पहले दिन क्योटो की तर्ज पर काशी के कायापलट का करार किया। क्योटो की तर्ज पर संसदीय क्षेत्र वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने की तमाम जरूरी बातों का मुआयना किया। परंपरा को निभाते हुए जापानी मछलियों को दाने भी खिलाए गए। लेकिन अगले दिन की शुरुआत हुई क्योटो के उस पवित्र तोजी मंदिर से, जो सदियों से हिंदुस्तान और जापान की संस्कृति को जोड़ने वाली अहम कड़ी है। ये मंदिर पहली बार बना था 824 ईस्वी में, लेकिन ये चार बार जल चुका है बिजली गिरने से। 1644 में ये आखिरी बार बना था। ये जो 187 मीटर पांच मंजिला पगोड़ा आप देख रहे हैं, इस रूप में ये 1644 में बने थे और अभी भी इसी रूप में है, और पूरे विश्व में जापान में बौद्ध धर्म के प्रचार को दर्शाता है यही मंदिर। ऐतिहासिक है, भारत और जापान में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और दोनों देशों के सानिध्य का प्रतीक है ये मंदिर। क्योटो का ये विश्व प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर अपने आप में हिंदुस्तान और जापान के सांस्कृतिक रिश्तों की कहानी कह रहा है। लेकिन इस मंदिर परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे की एक साथ मौजूदगी भी ये बताने के लिए काफी है कि विश्वास और सम्मान का रिश्ता बन चुका है। निवेश, व्यापार, तकनीक, सामरिक क्षेत्र में सहयोग तो दोस्ती को हमेशा के लिए पक्की करने का बहाना है। जिस तरह कई बार टूटने के बाद भी गौतम बुद्ध का ये प्रसिद्ध तोजी मंदिर बिना किसी विध्वंस के दाग के दुनिया में हिंदुस्तानी जापानी संस्कृति की छाप छोड़ रहा है, उम्मीद है कि उसी तरह हिंदुस्तान जापान का सियासी रिश्ता भी अगस्त की इन अहम तारीखों के बाद अटल आबाद रहेगा। जापान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के करीब तब से है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर सीएम जापान का दौरा पहले कई बार कर चुके हैं, लेकिन ये दौरा बेहद खास है। अब पूरे हिंदुस्तान का हौसला, पूरे मुल्क की उम्मीद लेकर जापान पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उम्मीद यही है कि जिस तरह भगवान बुद्ध की ख्याति बिना रुके देश दुनिया में फैलती चली गई, उसी तरह हिंदुस्तान जापान की दोस्ती का सिलसिला भी साल दर साल मजबूत हो और दुनिया में आपसी सहयोग से विकास की नई मिसाल लिखे। अपने इस क्योटो पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश भारत और जापान, क्योटो और काशी को एक सूत्र में बांधने की थी। क्योटो से सबक सीखकर काशी को एक 21वीं सदी का आधुनिक शहर बनाना उनका लक्ष्य है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के लिए बड़ी चुनौती अगले पड़ाव में है, टोक्यो में, जहां न सिर्फ उनकी कोशिश होगी भारत में निवेश के लिए जापान को राजी करना, बल्कि भारत और जापान के बीच एक मजबूत सामरिक रिश्ता कैसे बने इसका भी प्रयास करना। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, क्योटो आज तक। जापान के क्योटो शहर में कुल मिलाकर 2000 से ज्यादा मंदिर हैं, जिनमें से 1600 तो बौद्ध मंदिर हैं। ये मंदिर भारत और जापान के सदियों पुराने रिश्ते को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान यात्रा के दो पड़ाव हैं, एक क्योटो, दूसरा टोक्यो। क्योटो में धार्मिक जगहों पर उन्होंने दौरा किया, सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने का प्रयास किया, तो टोक्यो में उनकी कोशिश होगी एक रक्षा समझौता, उनकी कोशिश होगी निवेश को बढ़ावा देना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी कोशिश यही है कि भारत और जापान के बीच जो संबंध है केवल व्यापार या सामरिक रिश्तों तक सीमित ना रहे, सांस्कृतिक संबंध और मजबूत हो। जिस तोजी मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के एक साथ कदम पड़े, एक साथ दोनों ने हिंदुस्तानियों और जापानियों के दिलों को धार्मिक विरासत की डोर से जोड़ने वाले भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों के दर्शन किए, वो तोजी मंदिर जापान के उस क्योटो शहर का सबसे खास हिस्सा है जो स्मार्ट सिटी की आधुनिकता और जापान की सांस्कृतिक धरोहरों में तारतम्य की बेहतरीन मिसाल पेश करता है।
दुनिया के सामने दोस्ती की नई इबारत लिखने वाली जो तस्वीर जापान के क्योटो शहर के तोजी मंदिर से आ रही है, उसके कई अहम हिस्से हैं। जहां पीएम मोदी और शिंजो आबे के कदम पड़े, उस तोजी मंदिर का एक अहम हिस्सा है कोंदू मंदिर। इस मंदिर को भारतीय सभ्यता तेंजी कू के हिसाब से बनाया गया है। यहाँ पर इसकी दो छतें हैं। ये मंदिर 796 ईस्वी में पहली बार बनाया गया था। कहा यह जाता है कि ये मंदिर भी चार बार नष्ट हुआ। 1603 में इसे एक बार फिर बनाया गया। यहाँ पर भी भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं हैं अपने अनुयायियों के साथ। क्योटो का ये मंदिर परिसर कई मायनों में दुनिया के लिए एक मिसाल है, जिसे भारत भी जानना चाहता है, सीखना चाहता है और हिंदुस्तान के जन्म धार्मिक विरासतों की कायापलट की उम्मीद रखता है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे मंदिर परिसर को, जो 16वीं शताब्दी से चला आ रहा है, इसे इतना साफ, इतना स्वच्छ कैसे रखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मिशन के तहत जापान की राजधानी टोक्यो से पहले जापान के आध्यात्मिक शहर क्योटो पहुंचे हैं। उम्मीद वही कि स्मार्ट सिटी क्योटो की तर्ज पर हिंदुस्तान के शहरों का भी कायापलट हो सके, तो 5 दिनों के जापान दौरे की इस सबसे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के एजेंडे में और भी बहुत कुछ है। ये प्राचीन सभ्यता और इसी के अगर दरवाजे से बाहर निकले तो 21वीं सदी का जापान, स्मार्ट सिटी, दोनों का इतना सुंदर समावेश, क्या संभव है क्योटो काशी ले जाना, यानी वही सफाई, वही स्वच्छता और वही स्मार्ट सिटी। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, तोजी मंदिर, क्योटो, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद केवल धार्मिक स्थलों की यात्रा करना नहीं था, वो ये समझना चाहते हैं कि आखिर क्योटो ने किस तरह अपनी पुरानी संस्कृति को भी संजो कर रखा है और कैसे क्योटो एक आधुनिक 21वीं सदी का शहर भी है। इसी के साथ एक करार पर हस्ताक्षर भी हुआ कि किस तरह काशी को क्योटो की तर्ज पर बनाया जा सकता है, कि काशी भी अपने मंदिरों की धरोहरों को बिल्कुल सुरक्षित रखे और एक आधुनिक 21वीं सदी का शहर काशी भी बन सके। काशी के अच्छे दिन आए। बुरी नजरों से बचने के लिए मछलियों को चारा चुगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के साथ अपने रिश्तों का आगाज किया। क्योटो में पहले ही दिन मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौजूदगी में एक समझौता भी हुआ। जापान में भारत की राजदूत और क्योटो के मेयर ने उस समझौते पर दस्तखत किए, जिसमें क्योटो की तर्ज पर ही काशी को भी चमकाने का मसौदा है। एग्रीमेंट जो वाराणसी और क्योटो के बीच में हुआ है, इस एग्रीमेंट के का सबसे अहम मुद्दा यह है कि कोऑपरेशन होगा वाराणसी और क्योटो के बीच में, कल्चरल हेरिटेज के प्रिजर्वेशन में, मॉडर्न सिटी के डेवलपमेंट में और आर्ट, एजुकेशन और कल्चर पर। और ये एक स्मार्ट सिटी, स्मार्ट हेरिटेज सिटीज का प्रोग्राम है जो इन दोनों सिटीज के दौरान के बीच ये पहली बार शुरू हुआ है। मोदी का पुराना सपना है कि काशी क्योटो के मॉडल पर विकसित हो, इसीलिए उनके जापान यात्रा में पहला समझौता काशी क्योटो को लेकर ही हुआ। इस समझौते में यह तय किया गया कि जिस तरह क्योटो में प्रदूषण शून्य के स्तर पर है, उसी तरह वाराणसी को भी प्रदूषण से मुक्त किया जाएगा। जिस तरह क्योटो में पर्यावरण की सुरक्षा की गई है और हरियाली इसकी जान है, काशी को भी उसी तरह हरा भरा बनाया जाएगा। जिस तरह क्योटो में आने जाने की सार्वजनिक सुविधा बेहद दुरुस्त है, वैसा ही काशी में भी बनाने की योजना है। जिस तरह पुराना शहर होने के बावजूद क्योटो आज आईटी केंद्र बना हुआ है, मोदी उसी तर्ज पर काशी को भी नई तकनीक से जोड़ना चाहते हैं। खास बात यह है कि दोनों शहर पुरानी सभ्यता वाले हैं, उस सभ्यता को आगे भी बचाए और बनाए रखने की कोशिश होगी। अभी ये साफ नहीं है कि इस समझौते की कीमत क्या है और काशी के कायाकल्प के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे मंदिर परिसर को,
जो 16वीं शताब्दी से चला आ रहा है, इसे इतना साफ, इतना स्वच्छ कैसे रखा जाता है? यहाँ पर यह प्राचीन सभ्यता, और इसी के अगर दरवाजे से बाहर निकले तो 21वीं सदी का जापान, स्मार्ट सिटी, दोनों का इतना सुंदर समावेश, क्या संभव है क्योटो काशी ले जाना? यानी वही सफाई, वही स्वच्छता और वही स्मार्ट सिटी, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य। धार्मिक मान्यता है कि काशी तो शिव के त्रिशूल पर टिकी है। मान्यताओं को छोड़ अगर हकीकत पर भी उतरें तो काशी संस्कृति, जिंदा दिली और परंपराओं के त्रिशूल पर जरूर टिकी है। इस काशी का इतिहास परंपराओं के पार जाता है, तो भविष्य कैसा होगा, इसके लिए मोदी ने जापान के क्योटो में प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही जापानी तकनीक को हिंदुस्तानी शक्ल देने की भी तैयारी है। जी, जापान की जो सबसे बड़ी ताकत है वो बड़े स्केल का कॉम्प्लिकेटेड हाई तकनीकी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जापान की ताकत है। उसकी टेक्नोलॉजी है जापान के पास, उसकी 50 साल का एक्सपीरियंस है। उस टेक्नोलॉजी को इन्वेस्ट करने के लिए उनको इंडिया में एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, जो कि फटाफट डिसीजन मेकिंग करके बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सके। ये सबसे बड़ी उम्मीद जापान नरेंद्र मोदी जी से कर रहा है। जिस क्योटो से बेहद लगाव की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के शहर तक पहुंचने का मन बनाया, उस जापान के क्योटो और हिंदुस्तान के काशी में कई समानताएं हैं। काशी की तरह क्योटो भी मंदिरों का शहर है। जहां काशी में करीब 23,000 मंदिर हैं, वहीं क्योटो में भी करीब 20,000 मंदिर हैं, जिसमें से 16,000 तो बौद्ध मंदिर ही हैं। किसी जमाने में 1,000 साल से ज्यादा समय तक क्योटो जापान की राजधानी थी, तो काशी को हिंदुस्तान की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। जहां काशी गंगा किनारे 84 घाटों पर बसी है, वहीं क्योटो समंदर के किनारे है। लेकिन काशी की तुलना में देखें तो क्योटो आधुनिक विकास की नई परिभाषा गढ़ता है। वहां बुलेट ट्रेन चलती है और एक किस्म की वो स्मार्ट सिटी है, जैसी स्मार्ट सिटी की ललक मोदी के मन में भी है। गौरव सावंत, क्योटो आज तक।